सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार इंटरनेट एक माया जाल है, मतलब एकदम ऐसा तिलस्मी सा माया जाल है कि देख के लगता है बाहर से कि हाँ यार कितनी बढ़िया चीज है, और ऐसे में हम इसको यूज भी करते हैं, काफी मजा आता है, लेकिन कभी कभी हम हमारी बेवकूफियों की वजह से इस जाल में फंस जाते हैं और बाद में कोसते हैं अपने आप को कि यार क्यों उस टाइम पे दिमाग में नहीं आया, क्यों मैंने उस टाइम पे वहां पे भैया क्लिक कर दिया, क्यों मैंने गलती कर दी, क्योंकि चारों तरफ से दोस्तों आपको फंसाने के लिए अटैक किए जाते हैं। मैंने हालांकि इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई है, लेकिन क्या करें यार चीजें खत्म नहीं होती, नई नई चीजें निकल के आती रहती हैं। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप अभी का अभी शेयर कर दो सभी तरफ, मतलब व्हाट्सएप पे या जहां मर्जी उसको फैलाना है, बिकॉज सबके लिए ना जानना बहुत जरूरी है। आजकल इंटरनेट पे एड्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे, मेरे को तो अभी रिसेंटली ईमेल्स आए दो, मेरी शक्ल लगा रखी है भैया पता नहीं किसी कंपनी ने, और वो लोन बांट रहे हैं। फेक मामला, सारा का सारा क्लियर कट फेक मामला। ना मैंने किसी को परमिशन दी, ना दोस्तों मैंने आज तक कभी ऐसी किसी भी ऐप या किसी भी वेबसाइट से एसोसिएट किया है। आपने मुझे देखा है यार स्टार्टिंग से, मैंने कभी भी वो ट्रेडिंग कर लो, खरीद लो, लॉटरी लगा लो, गेम खेल लो, या अपनी टीम सेलेक्ट कर लो, पैसे जीत लो, पेटीएम से आ जाएंगे 10-5 रुपए, जो भी है ना, मैंने आज तक कभी किसी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं किया, नहीं मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे सब तरफ आपको लूटने के लिए बैठे हैं लोग। कि मतलब आप यंगस्टर्स, स्पेसिफिकली आप यंगस्टर्स, जहां पे आपकी कई बार डिमांड होती है, आपकी कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ यार मैं कुछ पैसे कमा लूँ अपनी पॉकेट मनी से एक्स्ट्रा, मैं कुछ अपना फेवरेट सामान खरीद लूंगा, मैं कुछ अपना फेवरेट फोन खरीद लूंगा, या हो सकता है आपको घर से इतने पैसे नहीं मिल पा रहे, तो आपको ऐसा लगता है कि यार आपके लिए ना अभी पैसे कमाना बहुत जरूरी है, और ऐसे में आप ही को टारगेट करते हुए चारों तरफ से ऐसी चीजें हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, जहां पे वो आपको बोलते हैं कि आप 10 रुपए दो या 20 रुपए दो या इसमें पार्टिसिपेट कर लो, उसके बाद में भैया ऐसा कुछ करोगे जादू वहां पे कि भैया पता नहीं कितने पैसे कमा लोगे। अरे कौन कमा लेता है यार, इतना आसान है कि पैसे कमाना, लेकिन पता नहीं क्यों चारों तरफ से कंपनीज तो कर ही रही हैं, बिकॉज वो तो फ्रॉड स्कैमस्टर्स हैं ही, आप जैसे लोग क्यों फंस जा रहे हो भाई। मतलब सब जानते हैं अंदर मनी मन की भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन फिर क्यों, हमको तो अपनी किस्मत आजमानी है ना, हमको तो मतलब नहीं, हमको लगता है कि हम जीत ही जाएंगे ना, या ये चीज तो हमारे लिए ही है, ये लोन मिल रहा है ये हमारे लिए ही है, या कहीं पे सस्ते फोन मिल जा रहे हैं, कोई बोलता है कि मैं 2000 के अंदर आपको फोन दे दूंगा, 20000 के अंदर ब्रांड न्यू आईफोन 11, कहाँ मिलता है यार 20000 में आईफोन 11 ब्रांड न्यू, अगर उसको ऐसे पड़ा है तो वो आपको देगा क्या, मतलब आप ही का भला करने के लिए बैठी है कोई कंपनी की, हाँ या कोई बंदा कि भैया हाँ मैं ही हैक करूंगा सबको और मैं ही आपको दूंगा लगाई, पर क्यों, मतलब इतना ज्यादा चारों तरफ स्कैम लगा रखा है लोगों ने, तरह तरह के एप्लीकेशन, तरह तरह के ये रैंडम बकवास चीजें एकदम, मतलब बचो यार इन सबसे, लाइफ ऐसा नहीं है कि 2 छक्के मारे और निकल जाओगे आगे, कहाँ मेहनत करनी पड़ती है यार, कोई भी ऑथेंटिक तरीके ये नहीं है, जो ऑथेंटिक तरीके है ना वो अलग होते हैं पैसे कमाने के, ये शॉर्ट टर्म के चक्कर में कि ये जाके 2 क्लिक मार लो और भैया पैसे जीत लोगे, कहाँ से जीत लोगे यार, ऊपर से यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं इस तरह के एड्स रैंडम तरह तरह के, कभी कोई सस्ता फोन बेच देता है, कभी किसी पे स्कैम कर देता है, मतलब क्या ही कर लें इस दुनिया का यार, किसी को ईमेल आ जाता है कि मेरे को लॉटरी लग गई है, कहीं पे कोई ओएलएक्स का वीडियो या कोई ऐड देख लेता है ओएलएक्स का, उसके बाद में वहां से कोई नकली किसी आईडी के ऊपर बोलता है कि मैं कुरियर कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, ये लो आधा पैसा दे दो, कुरियर का पैसा दे दो, बाकी कैश ऑन डिलीवरी है, ये है वो है, अरे क्यों स्कीमों में पड़ते हो यार, ये सब स्कीम है, क्यों इन स्कीमों का हिस्सा बनने की कोशिश करते हो, क्यों सोचते हो कि हाँ कोई स्कीम लगाते हैं, कोई जुगाड़ लगाते हैं, अरे लाइफ में जुगाड़ चलता है लेकिन ये जुगाड़ नहीं होते, वो अलग टाइप के जुगाड़ होते हैं, मतलब हर जगह हमको तो लगता है कि यार इंटरनेट है, वेबसाइट पे लिखा है तो सही लिखा होगा, इंटरनेट पे ऐड आया है तो सही ऐड होगा, अरे क्यों सही होगा यार, बहुत से लोग हम इंटरनेट पे पहली बार आते हैं, हमको लगता है कि हाँ जो भी लिखा है सब कुछ सही लिखा है, बिल्कुल एकदम ऐसा फ्लैशी, मेरे तो फोटो यूज कर ली इन लोगों ने यार, मतलब मैं तो इनका जो करूंगा हाल वो बात की बात है, लेकिन मतलब कम से कम मेरी फेस वैल्यू को समझ लो यार, कि मैं कभी भी ऐसी किसी भी चीज का हिस्सा न बना हूं न बनूंगा। लाखों ऑफर्स आते हैं बीच में कि ये चीज को प्रमोट कर दो, ये नया कॉइन आया है, नई क्रिप्टो करेंसी आई है, नई ट्रेडिंग ऐप आई है, नया ये आया है, नया गेम आया है, सब बकवास है भाई, सब बकवास है। ऑनलाइन पैसे डाल लो, कोई गेम खेल लो, फिर बोलते हैं कि ये गेम ऑफ स्किल है, कोई बोलता है कुछ और है, अरे क्यों चक्करों में पड़ना है, लाइफ में कुछ और बचा नहीं है क्या। अभी के लिए सिर्फ इतना कहता हूँ यार आपको कि इंटरनेट पे ना आप जो भी देख लेते हो किसी भी चीज को ऐसे आंख बंद करके सच मत मान लिया करो। फिर लोग दिखा देते हैं प्रूफ,
बहुत होशियार बैठे हैं ना यूट्यूबर्स कुछ, तो जो प्रूफ दिखाते थे कि हाँ देखो अर्निंग का प्रूफ है, देखो मैंने पैसे कमाए, देखो मेरे को मैं बताऊं क्या कहां से प्रूफ आता है निकल के। मतलब जो भी आपके चारों तरफ ऐसा दोस्तों एक माहौल क्रिएट करा जाता है ना कि हाँ ये सब रियल है या पॉसिबल है या ऐसा कर लो और इससे ये हो जाएगा, प्लीज चक्करों में मत पड़ो। प्लीज किसी को 25-50 हजार रुपए देके कोई वीडियो बनवा लेता है और उससे आपको लगता है कि वो सब चीजें सच हो जाएंगी। रियली ऐसे काम करती है क्या लाइफ? इंटरनेट पे ऐसी चीजें होती हैं क्या कि आपने 10-10, 20-20 रुपए दे दिए और आपने किसी चीज में हिस्सा ले लिया और बाद में भैया पछताओगे आप तो, अरे यार मेरे तो 100 रुपए चले गए। फिर कोई बात नहीं, कल को कोई और आएगा, कल को कहीं और से कुछ और वीडियो देखोगे, कल को कहीं और किसी और का ऐड आएगा और फिर सोचोगे नहीं 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 ये वाला सही है, यहां पैसे लगाऊंगा, फिर बोलोगे अरे यार यहां भी मेरे 100 रुपए वेस्ट हो गए। कब तक इन चक्करों में पड़े रहोगे यार, कब तक? थोड़ा सा ग्रो अप इन टर्म्स ऑफ ये सब चीजों को समझने में थोड़ा सा। आई नो कि देख के बहुत अच्छा लगता है यार, सपने सबको पसंद आते हैं कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे और इतने पैसे जोड़ लेंगे और घर बैठे पैसे कमा लेंगे और क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ मैं, कितनी तो बोल चुका हूँ यार, कितनी बार मैंने ऐसी वीडियोस बना ली हैं। तो अभी के लिए प्लीज प्लीज इस वीडियो को फैलाओ, प्लीज ऐसी किसी भी चीज पे इंटरनेट पे जो आप देख लेते हो, जो आपको ललचाती है ना कि क्यों भरोसा करते हो, क्यों OLX के ऊपर सेकंड हैंड के नाम पे कितना फ्रॉड चल रहा है इंडियन आर्मी के नाम पे। लोग बोलते हैं कि मैं इंडियन आर्मी से हूं, मेरे को पैसे की जरूरत है, अपनी कोई दो चार कहीं पे कोई फोटो, मतलब हम वही सेम चीजों में जाल में फंस जाते हैं। मेरे को ईमेल्स आते हैं कि सर मेरे 10 हजार रुपए का लॉस हो गया, मेरे 15 हजार रुपए लग गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो किया ही क्यों था भाई पहले, क्योंकि आज की डेट में यही चल रहा है, यहाँ पे फ्रॉड ही चल रहा है सब तरफ। तो हम उस फ्रॉड को जानते हुए भी उसका हिस्सा क्यों बन जाते हैं? क्योंकि मन में लालच होता है ना, अगर वो लालच नहीं होगा तो हम कभी फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन क्योंकि हमको बेनिफिट दिख रहा होता है, हमको लगता है कि यार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता सच हो गया तो क्या हो गया, लेकिन गारंटी क्या है, वो सच होगा ही नहीं कभी भी। तो बचो, प्लीज बचो, और ऐसी चीजों को प्लीज बिलीव मत करो यार। एक एक चीज बोल रहा हूं हालांकि, लेकिन पता नहीं 10 बार बोलूंगा तो एक बार शायद समझ में आएगा आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में खैर इतना ही है, लेकिन ऐसे जितने भी चीजें चल रही है ना, फिर चाहे वो पैसे कमाने वाली कोई ऐसी शॉर्टकट वाली एप्स हो, टेढ़े मेढ़े कोई गेम्स हो, कहीं पे अपनी टीम बना लो, टीम जीत जाएगी, पैसा मिल जाएगा। अरे बांटने के लिए बैठा है कोई पैसा, क्यों क्यों देगा कोई? जो भी है अपना दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करो यार, और बचो ऐसे सभी जो चल रहा है इंटरनेट पे, उन सभी स्कैम से। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।